बीते दिन ही लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान ते हलका आतम नगर तो सबका विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के वॉन्टिड के पोस्टर शहर में वख-वख जगह पर लग गए सन। सिमरजीत सिंह बैंस को अदालत ने रेप केस में भगौड़ा करार दिता गया सी, क्योंकि सिमरजीत सिंह बैंस पुलिस के हाथ नहीं लग रहे सन। तो पुलिस ने उन्होंने जिहड़े भाल वास्ते पोस्टर थाणियां दे विच रेलवे स्टेशन बस अड्डे ते कई होर थावां ते लगा दित्ते सन। पोस्टर लगन तो बाद सिमरजीत सिंह बैंस का बयान सामने आता है। सिमरजीत सिंह बैंस खुद तो सामने नहीं आते, लेकिन अपनी फेसबुक से स्टेटस पा के उन्होंने एक बयान जरूर दिता है। सिमरजीत सिंह बैंस ने तकरीबन 2 घंटे पहले अपनी फेसबुक से लिखा है कि बदलों की गर्ज सुन के चिड़िया अपना राह बदल लेंदियां हन, पर बाज हमेशा तूफाना दे उल्ट उड़दा है अते मंजिल फतेह करता है। जी हाँ, उन्होंने पूरा हौसला दिखाया है। उन्होंने ये कहा कि जिहड़े बाज ने वह अपने राह ते चलते हैं, तो वह चिड़ी नहीं हन, कि वह डरन वाले नहीं हन, कि अपना राह बदल लैणगे। सिमरजीत सिंह बैंस ने यह भी लिखा है कि यह कोई पहली बार नहीं होया कि सियासी बदलाखोरी तहत तो उन्होंने कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया गया हो। उन्होंने कहा कि वक्त का फेर है, वाहिगुरु की अपार बख्शिश सदका पाक साफ होकर इस मुकदमे तो बाहर आवांगा अते साजिश करन वालियां नूं बेपरदा करके दम लवांगा। जी हाँ, ये सिमरजीत सिंह बैंस ने 2 घंटा पहले अपने फेसबुक से लिखा है, जि जिस ते उन्होंने समर्थक ने कमेंट भी किए ने, तो उन्होंने हल्लाशेरी दी है। जी सिमरजीत सिंह बैंस पहले भी यही कहते आए हैं कि उन्होंने जिहड़ा केस पिया है झूठा है, तो इस पिछे जो भी लोग ने वो उन्होंने चौंक दे विच खड़ा करके साबित करनगे कि यह झूठा केस सीगा। लेकिन चोणां भी हार जाते हैं सिमरजीत सिंह बैंस, तो हुण दोबारा जो अदालत के प्रोसैस के नहीं पैंदे, तो जो भगौड़ा करार दिते जाते हैं तो पुलिस वॉन्टिड के पोस्टर थां थां लगा देंदी है। तो उस तो बाद सिमरजीत सिंह बैंस फिर एक फेसबुक के पोस्ट जरिए अपना बयान देंगे ने, तो वह कहते हैं कि वह डरन वाले नहीं हैं, वह अपना रस्ता नहीं बदलणगे, वह बाज वांगू जिहड़ा है उन्होंने हौसले मजबूत ने। तो उन्होंने ये कहा भी ये कोई पहली बार नहीं होया, इस तो पहले भी उन्होंने कई बार जिहड़े मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो एक बार फिर जिहड़ा ये मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इस विचों वह पाक साफ होकर आएंगे। बी तुहानू ये भी याद करा दिए कि बीते दिन ही लुधियाणा के जिहड़े DCP ने रविचरण बराड़, उन्होंने ये कहा सीगा कि वख-वख टीमां ने जिहड़ियां ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਾਂਟਿਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ उन्होंने ये कहा कि जिहड़ा मामला है वो झूठा है, तो झूठे मामले चो जल्द बाहर आएंगे। वधेरे अपडेट लई साडे नाल जुड़े रहो, धन्यवाद।